मॉर्निंग हमारे स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास में सोशल साइंस इसमें हिस्ट्री का पार्ट एक है, इसमें नास्तिवाद और हिटलर का उदय इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। विश्व की प्रमुख घटनाओं का जिक्र इनमें किया गया। वहीं अगर बात करें विश्व स्तर पर, हिटलर एक तानाशाह था, इसके बारे में मैंने आपको बताया। यानी कोई भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में उसको अपदस्त करके, यानी राजतंत्र शासन व्यवस्था को हटाकर वहां पर तानाशाही या एक तरह से सैनिक प्रणाली के द्वारा शासन स्थापित कर लिया जाता है, वो तानाशाही होते हैं। ऐसे ही हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट, यही ऐसे विश्व स्तर पर व्यक्तित्व थे जो उनमें साम्राज्य की महत्वाकांक्षा थी। और वहीं इस महत्वाकांक्षा को इतना बढ़ा दिया कि हिटलर पूरी यूरोप में शासन करना चाहता था। वहीं ये जर्मनी में नेतृत्व कर रहा था हिटलर। और उस समय महत्व जो घटना हुई वो था प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, जिसके बारे में मैं पढ़ा था। 1914 से लेकर 1918 का ये समय था। वहीं इस युद्ध में बहुत ही जनधन की हानि पड़ी। उस समय तो उनको कोई होश नहीं था कि सभी मित्रराष्ट्र और द्विराष्ट्र देशों, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होने के कारण, इन देशों की अर्थव्यवस्था होने के कारण अपने आप में बहुत ताकतवर देश था जर्मनी, लेकिन इस युद्ध ने पूरी तरह से कमजोर कर दिया। और इसको ही नहीं, जीतने वाले जो ये थे मित्रराष्ट्र, प्रथम विश्व युद्ध में जो विजय मिली तो मिली मित्रराष्ट्रों को, तो इनकी भी स्थिति खराब हो गई। और ऐसा ही नहीं, पूरा विश्व, यानी विश्व में पूरी तरह से आर्थिक संकट आया, यानी आर्थिक संकट आ गया। इसके कारण प्रथम विश्व युद्ध का जो दुष्प्रभाव है, यानी पूरे विश्व को ही झेलना पड़ा, क्योंकि इन सभी देशों के पूरे विश्व में, यानी एशिया की बात करें या अफ्रीका की बात करें या दक्षिण अमेरिका की बात करें, ये जो देश थे जिसे तीसरी दुनिया को कहते हैं, इन देशों के यानी पूरी तरह से इनका अधिकार व्यापारिक औपनिवेशिक केंद्र बने हुए थे। तो उनको भी यानी उन्होंने नहीं छोड़ा, उन वहां से भी यानी लोगों को यानी युद्ध में छोड़ दिया। जैसे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में बाहर से यानी गांव के सैनिकों को ले जाकर वहां पर युद्ध में लड़ाया गया। वहीं अगर बात करें पृथ्वी शुद्ध के बाद में जो आर्थिक संकट आया वो पूरे विश्व में बढ़ रहा है। उस समय तो उनको किस चीज का कोई वो नहीं था, लेकिन जो आर्थिक संकट की स्थिति हुई बाद, यानी जब कोई भी देश में अगर आर्थिक स्थिति जब आती है तो उस समय यानी उसके बाद में उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, उसके परिणाम बाद में आते हैं। ऐसे ही यानी एक तरह से 18 में समाप्त हो गया, तो इसलिए यानी एक तरह से दुष्प्रभाव 20, 21, 22, 25 तक, 1925 तक यानी दुष्प्रभाव देखने को मिले। पूरी तरह से विश्व आर्थिक संकट से जूझने लगा था। जितने भी औद्योगिक केंद्र थे, औद्योगिक क्षेत्र को समाप्त हो गए, पतन हो गया उनका। वहीं यानी एक तरह से जर्मनी जो देश था, इसकी जो मुद्रा स्फीति है, यानी मुद्रा उसका जो वैल्यू है वो बहुत गिर गई। यानी सबसे ज्यादा हानि उठानी पड़ी, वो उठानी पड़ी जर्मनी को। इसके साथ में एक संधि की गई, वर्सायल की संधि, ये संधि बहुत तरह से जब जर्मनी के लिए एक तरह से अपमान अपमान स्वरूप होने के कारण ये जो अपमान का जो घूम पीके ये रह गया। और क्या हुआ, उस अपमान का बदला लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया।
आगे उस घटना के बारे में अपन चर्चा करें। राजनीतिक रेडिकलवाद यानी आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट एक अपने आप में विचारधारा है। रेडिकलवाद इनके जिस समय वाइमर गणराज्य यानी एक तरह से वाइमर गणराज्य किसे कहा गया है, जर्मनी को कहा गया है, वाइमर गणराज्य। और उस समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति यानी रूस की क्रांति से पहले रूस की जब ये घटना घटी हुई उससे बाद में यानी रूस की क्रांति हुई और उसकी क्रांति के तत्परे जर्मनी में भी स्पार्ट किस्ट लीग यानी ये जो एक तरह से दोनों हो रूस की क्रांति और ये घटना यानी एक तरह से समकालीन है यानी इनके समय में ज्यादा अंतर नहीं है। जर्मनी में स्पार्ट किस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम देने लगे थे और बहुत सारे लोगों ने मजदूरों और नागरिकों को सोवियत बना दिया था यानी सोवियत संघ भी बना दिया था और बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायतें गूंज रही थी यानी कैसी व्यवस्था सोवियत संघ की सी यानी व्यवस्था की यानी कैसे उस सोवियत संघ के स्वरूप के रूप में यहां पर एक तरह से काम किया जा रहा था। वहीं क्रांतिकारी और उपराष्ट्रवाद दोनों ही खेमे यानी दोनों ही वर्ग रेडिकल समाधान के लिए आवाज उठाने लगे थे। रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकल यानी एक तरह से परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं लेकिन वो परिवर्तन कैसे चाहते हैं यानी धीरे धीरे परिवर्तन चाहते हैं, अचानक परिवर्तन नहीं चाहते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा के विरोधी है रेडिकल, वही राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों से 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व मोटे तौर पर कर्ज लेकर यानी ज्यादा पैसे क्या किया कर्ज लेकर ये युद्ध लड़ा गया था हम विश्व युद्ध। और एक सबसे बड़ी इसके साथ में घटना हुई असफल रहा जिसके कारण और स्थिति खराब हुई इसकी। वहीं और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा यानी इसके पास पैसे नहीं थे और पैसे थे नोट जो काफी नोट थे लेकिन उसका अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन का मतलब होता है यानी जिसमें किसी भी कंट्री की मुद्रा यानी 10 रुपए है उसकी वैल्यू 10 रुपए है वही 1 रुपए भी आ जाए। अन्य मुद्राओं जिसमें की अन्य मुद्राएं हैं उनकी अपेक्षा तो ऐसे यानी एक तरह से इसकी जो मुद्रा जो वैल्यू है वो बहुत गिर गई थी। इसको इसको हर्जाने के रूप में जो अन्य जो देशों ने कर्जा दिया था अमेरिका जैसे देशों ने तो अन्य देशों ने भी इनको स्वीकार नहीं किया यानी कागजी मुद्राओं को स्वीकार नहीं किया क्योंकि अगर विश्व स्तर पर लेन देन जो किया जाता है यानी वस्तु के बदले में पैसा जो देना है या तो डॉलर वगैरह में होता है या क्योंकि डॉलर एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है वहीं अगर गोल्ड है सोना है तो सोने से भी यानी लेन देन कर सकते हैं तो इनको हजाने के तौर पर यानी मुद्रा यानी एक तरह से स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी। और आखिरकार 1900 वही इस दौर में बोध से जर्मनी के स्वर्ण भंडार भी लगभग समाप्त हो गए थे। इतना कर्जा था तो उनके जो स्वर्ण भंडार थे वो भी समाप्त हो गए और स्थिति यानी में एक बहुत ही निम्न स्थिति में एक देश पहुंच गया। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज हजाने चुकाने से इनकार कर दिया यानी अब मेरी बस की नहीं है यानी
इसके जवाब में फ्रांसीसी उन्हें जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पार कब्जा पर कब्जा कर लिया। यानी जर्मनियों ने क्या किया, सॉरी फ्रांसीसियों ने यानी जर्मनी पर कब्जा कर लिया, उनके औद्योगिक जो मुख्य क्षेत्र थे वहां पर कब्जा जमा लिया। और यह जर्मनी के साथ वहां कोयले भंडार जो थे वाला इलाका था, और जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतियोगी के रूप में बड़े पैमाने पर मतलब एक तरह से कागजी मुद्रा है यानी फ्रांस को नीचा दिखाने के, उसका विरोध करने के अपने देश में यानी एक तरह से बहुत बड़े स्तर पर कागजी मुद्राएं छापना शुरू कर, लेकिन उसका कोई प्रभाव यानी एक तरह से आर्थिक संकट की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया। जैसे ही अपने पड़ोसी देश है पाकिस्तान खूब कर्ज ले रहा, चीन जैसे देशों से खूब कर्ज ले रहा, लेकिन जब कोई भी कर्ज जो देता है बिना स्वार्थ के नहीं देता है, आने वाले समय में पाकिस्तान की स्थिति बहुत भयावह होता है, क्योंकि जो कर्ज लेता है वो हमेशा चिंता चिंता में डूबा रहता है, तो ऐसी स्थिति उसकी हो जाएगी। ऐसी स्थिति यानी यहां पर जर्मनी की हो गई, जो इसने युद्ध भी लड़ा तो कर्जे जो लेकर लड़ा गया, वही यानी बहुत बड़ी मात्रा में मुद्रा इसने कागजी मुद्राएं छापी, और जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसको मुद्रा मार्क यानी यहां पर चलती थी एक मुद्रा का नाम था जर्मनी मुद्रा, उसका नाम था मार्क, जैसे अपन भारत में चलता है ना रुपया, ऐसे ही आगे कह सकता था जर्मनी में मार्क चलता। तो बड़े पैमाने पर पैसे यानी कागजी मुद्राएं छापने पर और मुद्रा का मान मूल्य तेजी से गिरने लगा, यानी थोड़ी सी भी यानी मार्केट में अगर कुछ सामान लेने जाएंगे तो उसके लिए थैला भर के मूल्य लेना पड़ेगा, उसे कहते हैं मुद्रा स्फीति या अनुमूलन, यानी एक तरह से पैसा यानी मार्केट वैल्यू गिर जाना। वहीं अप्रैल में अमेरिकी डॉलर की कीमत यानी उस समय की बात करें यानी मार्क और अमेरिका का जो डॉलर है तो एक अमेरिकी डॉलर की कीमत के बराबर कितने थे, कितने मार्क थे, 24,000 मार्क के बराबर, यानी एक जो अमेरिकी डॉलर और वही 24,000, देखो कितना इसकी वैल्यू गिरी। जो जुलाई में बढ़कर और ज्यादा हुआ 3,53,000 मार्क हो गए, वही अगस्त में 46,30,000 मार्क, और भयावह स्थिति हो गई जर्मनी। दिसंबर में तो 9,88,60,000 मार्क हो गई, इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने, यानी इतनी स्थिति खराब हुई जो यानी एक तरह से जो वहां पर क्या कहें यानी अमानवीय घटना कह सकते हैं इसको, ऐसी स्थिति खराब हो गई किसानों की मजदूरों की जो उनको दो वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया था, ज्यादातर युद्ध से ज्यादा भूखे मरने लगे वहां पर। जैसे जैसे मार की कीमत गिरती गई और जरूर चीजें की कीमत आसमान छूने लगी, क्योंकि आसमान छूएगी जब किसी देश में संकट की स्थिति ऐसी आ जाती है, वित्तीय संकट की स्थिति आ जाती है तो ऐसा ही होता है। वहीं इस परिस्थिति को क्या कहा गया, अति मुद्रा स्फीति, यानी इसे क्या कहा गया, अति मुद्रा स्फीति। अति मुद्रा स्फीति से कहा गया जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रा स्फीति कहा जाता है। मंदी का साथ, क्योंकि युद्ध समय जब चल रहा था तब ऐसी यानी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही, लेकिन इसका जो परिणाम है उस युद्ध का जो परिणाम है वो बाद में देखने को मिला। 1924 से 1928 तक जर्मनी कुछ स्थिरता आई यानी उसकी आर्थिक स्थिति, लेकिन ये स्थिरता मानी मानो जैसे रेत के ढेर पर खड़ी, रेत को आपने मुट्ठी में ज्यादा देर तक रोक नहीं पाओगे,
इस तरह से वो जो समय था यानी इस तरह का वो निकलता था रहा था। जिस तरह से जर्मनी निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए यानी अमेरिका के द्वारा हमें औद्योगिक क्षेत्रों में गतिविधि और निवेश किए गए और अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। लेकिन ये जो औद्योगिक क्षेत्र थे ये निवेश की जो गतिविधियां थी ध्यान रहे जो विश्व स्तर पर कमजोर होकर जो गरीब जो देश होते हैं उनको धनाढ्य देशों के द्वारा अल्प रूप में और लंबे समय के लिए रूप में एक तरह से कर्ज दिया जाता है। अब जो लंबे समय के लिए कर्ज दिया जाता है उसकी जो ब्याज दर है वो कम होती है, लेकिन अल्प काल के लिए यानी बहुत ही भयावह स्थिति है इस देश में और उसको इमरजेंसी पैसे चाहिए यानी कुछ समय के लिए तो उसके लिए ब्याज दर ज्यादा। ऐसे ही ये जो अधर्मी को जो कर्जा दिया गया था ये अल्पकाल के तौर पर यानी कुछ समय के लिए ही था, उसकी जो ब्याज थी यानी ब्याज जो वैल्यूएशन थी वो यानी ज्यादा थी ब्याज की रेट। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या नाम है 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ध्यान रखें शेयर मार्केट है शेयर बाजार जो अमेरिका में शेयर बाजार पूरे अमेरिका का शेयर बाजार है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि इससे भी धराशायी हो गया। तो जर्मनी को मिल रही मदद भी रातों रात ही बंद हो गई क्योंकि अमेरिका का जो शेयर मार्केट है वो बहुत गिर गया डाउन। अब कभी सोचते हैं इस चीज के लिए विश्व ऐसा नहीं है कि जीतने वालों को ज्यादा लाभ, जीतने वाले को भी यानी नुकसान को भी उठाना। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग फिलहाल अपने शेयर पर बेचने लगे यानी जब शेयर गिर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि इतना नहीं उनको गिरता है कि इसका लाभ ही ना मिल पाए तो इसलिए उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। और 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में कितने 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए और यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी यानी ये इस स्थिति को दर्शाती है कि यानी पूरी तरह से विश्व स्तर पर आई आर्थिक मंदी आ गई। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में यानी 1929 से लेकर 1932 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल कितनी हो गई आगे हो गई। अमेरिका जैसा देश यानी अमेरिका की जो आय थी वो 3 साल में कितनी हो गई आगे हो गई 3 साल में आधी आय हो गई यानी अमेरिका की भी स्थिति खराब हो रही है यानी उस समय अमेरिका की स्थिति भी पूरी तरह से यानी अन्य देशों के बजाय अच्छी थी लेकिन इसकी भी स्थिति खराब हो गई। वहीं फैक्ट्रियां बंद हो गई क्योंकि जब उनमें निवेश ही नहीं किया जाएगा तो औद्योगिक क्षेत्र कल कारखाने कैसे चलेंगे तो इसलिए फैक्ट्रियां बंद हो गई। निर्यात गिरता जा रहा था यानी अन्य देशों को निर्यात किए जा रहे वो गिरता जा रहा था क्यों क्योंकि स्वयं के देश की पूर्ति नहीं हो रही। कोई भी देश किसी चीज को निर्यात करता है तो आर्थिक मंदी में वो क्या करेगा वो निर्यात नहीं कर पाएगा ऐसी सिचुएशन में। तो वहीं किसानों की हालत भी खराब थी बेचारे किसान और वहीं सट्टेबाज बाजार से पैसे खींचे दे जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया जैसे अभी अभी बात करें कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में यानी एक तरह से आर्थिक मंदी की जो रूप स्वरूप है वो देखने को मिला यानी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है रोजगार एक तरह से जितने भी कल कारखाने उद्योग क्षेत्र हैं इनमें रोजगार
हो गए हैं, वस्तु जो है खरीदने की वो अपने उसी स्तर पर है और वे कोई यानी कमी नहीं की गई है, तो इस हिसाब से परेशानी उठानी पड़ती है ऐसी स्थिति में। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्षति उठानी पड़ी वो अमेरिका ये सॉरी जर्मनी को उठानी पड़ी। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1932 के मुकाबले कितने प्रतिशत? मात्र 40% ही रह गया, यानी कि इसका औद्योगिक क्षेत्र है वो मात्र 40% ही समझकर रह गया। मजदूर वे बेरोजगार के होते बेरोजगार होते जा रहे थे, उनके वेतन भी काफी गिर चुका था, यानी उनका वेतन जहां उनको पैसे मिलते थे उसका आधा मिलने लगा। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई, यानी जर्मनी में कितनी पहुंच गई? 60 लाख तक कितनी संख्या पूरे विश्व में। इन देशों की बात करें यानी मित्र राष्ट्र गुरु राष्ट्र में अगर बात करें तो ये पूरी स्थिति कितनी हो गई? 60 लाख के करीब। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो गले में तख्ती टांग रखी थी उन्होंने और कह रहा था कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार। वही नौजवान ताश खेलते वही नौकरों पर झुंड बनाकर बैठते क्योंकि बेरोजगार हो गए, और जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लुप्त होते जा रहे थे। चार लोग कह रहे हैं ताशा का मामला ध्यान रहे, अगर किसी व्यक्ति के पास है रोजगार नहीं है तो उसको पैसे की जरूरत है, तो युवा जो वर्ग थे उस समय यानी एक अपराध से जुड़े यानी उल्टे सीधे चोरी चकारी करना किसको लूटना किसको लूटना इस तरह के काम को शुरू उन्होंने कर दिया था, और चारों तरफ एक तरह से ऐसा डर है बना हुआ था, आर्थिक संकट में लोगों ने घेरी बेचनी और डर पैदा कर दिया था। वहीं कारोबार हो जाने से छोटे मोटे जो व्यवसायी थे वो तो समाप्त ही हो गए, वहीं स्वरोजगार में लगे लोग और खुद व्यापारियों की हालत भी खराब हो गई। जो खुदरा जो बड़े व्यापारी थे थोक विक्रेता वो भी यानी एक तरह से यानी उनकी स्थिति खराब हो गई। छोटे मोटे व्यवसायी को तो पता ही है समय के इन सबको सर्वहाराकरण का भय सता। सर्वहाराकरण क्या क्या होता है? सर्वहाराकरण यानी